खरीफ फसल के बीमा कवर की राशि की मांग को लेकर आज 5 किसान गांव रूपवास के जलघर में पानी की टंकी पटक गए। इन किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के अंदर धरना दिया, धरने का आज 43वां दिन है। हमने सारे प्रशासन को चिट्ठियां भेज चुके हैं, 12 चिट्ठी भेज चुके हैं हम, लेकिन एक ही चिट्ठी का किसी ने जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने गौर किया। इसलिए आखिरी जिम्मेदार किसानों का ये आखिरी दिन आ चुका है। इसलिए हमारे जो लड़के हैं मरणासन पर बैठे हैं, इसमें अगर कुछ भी हुआ तो उसका सरकार जिम्मेवार होगी। हम इसलिए यहाँ आके बैठे हैं कि सरकार सुनवाई करे। दो ही विकल्प बाकी रह गए हैं, या तो हमारे पैसे जो हैं किसानों के खातों में भेजे जाए, और या फिर आगे जो घाटबाद यहाँ हो गया वो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। बता दें, अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकल प्रचार सहित 5 किसान आज अपनी मांग को लेकर पानी की टंकी पकड़ गए। इस बात की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर गुजर पानी की टंकी पर चढ़े किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों की मांगे हैं, इनका कोई कृषि का जो मुआवजा है उसकी मांग कर रहे हैं। अभी इनसे वार्तालाप करके प्रशासन को इनकी जो है ना जो मांग है उसको तुरंत प्रशासन के संज्ञान में फोन पे लिया दिया है, और भी जो भी है वन को पहुँचा करके इनकी जो भी मांग है उसको सरकार तक पहुँचाने प्रयास चल रहे हैं। अफसरों को बता दिया कि भी इस तरह ये आंदोलन हो रहा है, इस गांव में इतने किसान इकट्ठे हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 5 घंटे से ये किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि बीमा क्लेम की मांग को लेकर वे पिछले 43 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्रियों, मुख्यमंत्री और प्रशासन ने उनको बीमा क्लेम देने का आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। कि जब तक सरकार मुआवजे की राशि रिलीज नहीं कर देती तब तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से किसान आत्महत्याओं के लिए टंकियों पर चढ़ेंगे। क्योंकि हमने 25 तारीख को सीएम साहब जब डबल आए थे, हमारे से बात हुई थी और सीएम साहब ने कहा था कि आपकी राशि 5 दिन के अंदर अंदर मैं खातों में भेज दूंगा, लेकिन आज 24-25 दिन बीत जाने के बाद इस प्रदेश का मुखिया झूठ बोल करके ये बातें कहता है तो उन पर विश्वास क्या किया जाए। हमारी 2017 की मांग ये है कि 2017 की हमारी नरमे की फसल खराब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी और उसका प्रीमियम भी कटा। जब प्रीमियम 570 रुपये प्रति एक किले के हिसाब से हमारी राशि कटी, और उसी राशि को लेकर के आज तक हमने जो है बहुत 43वां दिन है, आज हमने इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सरसा की बहुत सी टंकियों पर किसान चढ़ेंगे। हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा तब तक किसान के खाते में पैसा नहीं आ जाता। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी, अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बाकी के किसान भी पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध जताएंगे।